श्रद्धा का काम तमाम करने के बाद उनके लाश को ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब ने यह सोच लिया था कि यह पूरा मामला अब दफन हो चुका है, ये कभी उजागर हो ही नहीं पाएगा। लेकिन 6 महीने बाद जो खुलासे हुए हैं उसने जांच एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया है। लेकिन मैं आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूँ जो अब तक आपने ना ही देखा होगा ना ही सुना होगा, श्रद्धा मर्डर मामले का सबसे खतरनाक खुलासा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आफ्ताब ने खतरनाक साजिश रची थी और उस साजिश को बेनकाब करने वाले ना ही पुलिस है ना फिर कोई जांच एजेंसी के सदस्य। जी हाँ, आज जो खुलासा होगा वो खुलासा एक भिखारन करेगी, वो किस तरीके से रात के अंधेरे में आफ्ताब को देखती है और लाश के टुकड़ों को आफ्ताब कैसे ठिकाना लगाता है, सब कुछ भिखारी ने देख लिया था। आज मैं आपके सामने उसी भिखारी का पूरा इंटरव्यू रखने वाला हूं। इस भिखारन के बयान ने जांच एजेंसी और पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन से सबूत मिले हैं जिसने पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। दोस्तों, उनके कमरे से जो सबूत मिले हैं उसको मैं आपको पहले दिखाऊंगा, और जो आफ्ताब ने जो कांड किया था, कांड के बाद जो उनकी गतिविधियां थी उससे वाकई में पूरी दुनिया को यह संदेश जाता है कि आफ्ताब कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि ये प्रोफेशनल किलर है, बल्कि ये साइको किलर है। ये तमाम चीजों को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सबूत को देखिए कि उनके कमरे से क्या मिला। मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से श्रद्धा की हत्या करने के बाद उनकी लाश के बगल में बैठकर वो ऑनलाइन सामान का ऑर्डर करता है, आखिर वो कौन सा सामान है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता है कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों मुंबई में रहते थे, लेकिन श्रद्धा की उन्हें हत्या करनी थी इसलिए दिल्ली के सुनसान इलाके में उन्होंने कमरा लिया, जिसके बाद श्रद्धा को गला दबा कर मारा गया, उनकी लाश को आरी से टुकड़े टुकड़े किए गए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि उनके सिर को आरी से वो नहीं काट पाया। आपको पता है कि सिर का जो हड्डियां है वो मजबूत होती है, वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए वो आरी से उसे नहीं काट पाया। उनके सिर को पूरी तरीके से छुपाने के लिए, उनकी पहचान को दबाने के लिए उनके चेहरे को सिगरेट से जलाया गया, ताकि अगर उनके सर को जंगल में फेंका जाए, कोई पुलिस या कोई आदमी उसे देखे, बरामद किया जाए, तो उनके चेहरे को नहीं पहचाना जा सके। ये तमाम साजिश का हिस्सा था और साजिश अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको ये बार-बार कह रहा हूं कि आफ्ताब एक साइको किलर है, एक प्रोफेशनल किलर है, और इस पर पुलिस की जांच और ज्यादा तेज इसलिए हो गई है क्योंकि हो सकता है कि यह लड़का कई और मर्डर कर चुका हो। जी हां, यह इसी तरह लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, दोस्ती करता था, उसके बाद हत्या कर देता था, इन तमाम चीजों से यही मालूम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप एक दो लाइन में जल्दी से जान लीजिए कि मर्डर के बाद जो इन्होंने बचने का तरीका अपनाया था वो तरीका कौन कौन सा। अपने मोबाइल फोन को उन्होंने ऑनलाइन बेचा, OLX पर बेचा, अपने सिम को तोड़ा लेकिन उसी नंबर पे उन्होंने दूसरा सिम भी निकलवाया। इसके पीछे उनकी क्या साजिश थी ये अब तक पता नहीं चल पाया है। उसके अलावा उनके पूरे बॉडी को आरी से काटा गया, 35 टुकड़े किए गए, फ्रिज के अंदर रखे गए, और हर रोज वो रात के अंधेरे में निकलता, लाश के टुकड़े को बैग में लेता और जाके जंगलों में फेंक देता, कोई जानवर उसे खा जाता, और पॉलीथिन में लेकर वो जाता लेकिन पॉलीथिन से निकालकर लाश के टुकड़े को वो फेंकता ताकि कोई उसे जानवर खा जाए या फिर वो जल्दी से सड़ जाए। ये तमाम साजिश का हिस्सा यही बताता है कि ये लड़का बेहद ही खतरनाक है और इनका तरीका बेहद ही प्रोफेशनल है। आखिर क्या है श्रद्धा के मर्डर का बाथरूम कनेक्शन, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा आफ्ताब के कमरे से जो सबूत मिले हैं उसको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मैं आपके सामने वो सबूत लेकर आया हूं जिसने पूरी तरीके से श्रद्धा मर्डर मामले का खेल बदल दिया है। इसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप भी श्रद्धा को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर श्रद्धा जरूर लिखिए। तो चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि आखिर उस बाथरूम में वो कौन से सबूत छुपाए गए थे जो अब सामने आ गए हैं। आफ्ताब के कमरे से वो कौन सा औजार मिला है जिसने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। औजार मिलने और बाथरूम वाले सबूत के मिलने से ये क्लियर हो गया है कि आफ्ताब बेहद ही खतरनाक लड़का है। दोस्तों, जिस दिन श्रद्धा की हत्या होनी थी उसके 10 दिन पहले ही श्रद्धा का काम तमाम कर दिया जाता। खुद आफ्ताब ने कहा कि 10 दिन पहले ही श्रद्धा को मार दिया जाता, लेकिन श्रद्धा उस दिन रोने लगी, इमोशनल हो गई, जिसके बाद आफ्ताब ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन 10 दिन बाद जो बेरहमी उन्होंने की है ये वाकई में इंसानियत को शर्मसार करता है। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो पा रहा है कि इंसान की शक्ल में इतना खतरनाक भी कोई हो सकता है।
जी हाँ, ये इंसान की शक्ल में दरिंदा है। जिस तरीके से इन्होंने श्रद्धा की हत्या की, हत्या करने के बाद कई दिनों तक उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा, उनके सर का मेकअप किया, उनके सर को आगे रख कर खाना खाता था, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि इंसान की शक्ल में आफ्ताब हैवान है। बताया ये जा रहा था कि अब तक कोई भी टुकड़ा एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। अब जो खबरें आई है उसको देखिए और समझिए। दोस्तों, श्रद्धा को लेकर जिस तरीके से मामला गर्मा गया है, पुलिस भी हरकत में आ गई है। 13 हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। श्रद्धा का पूरा परिवार आफ्ताब से दूरी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन श्रद्धा से आफ्ताब साजिशन माफी मांग रहा था। मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इंसान की शक्ल में हैवान आफ्ताब के किचन में खून मिले हैं, जिस खून को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और खबर में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को फ्रिज में इसलिए रखा था कि वो लगातार उनके मान से बिरयानी बना सके। जी हाँ, ये अब तक का सबसे नया और खतरनाक खुलासा है। जिस तरीके से आप आफ्ताब का चेहरा देख पा रहे हैं, कितना मासूम सा लड़का लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो शैतान छुपा है अब यह पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। लगातार जांच एजेंसियां और पुलिस उस जंगल में जा रही है जहां पर बताया जा रहा है कि श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। मासूम सा दिखने वाला यह लड़का इतना खतरनाक है कि इन्होंने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फ्रिज में तो रखा ही था, उसके अलावा उनके कटे सर को सामने रख के खाना खाता था। जी हाँ, सही आपने सुना, और बताया जा रहा है कि लाश के टुकड़े सामने थे और इस लड़के ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवाया था और उसी लाश के बगल में बैठकर इसने खाना खाया था। आफ्ताब के उस किचन में जो खून के सैंपल मिले हैं उसको जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आफ्ताब ने खाना बनाने की ट्रेनिंग ली थी। आफ्ताब के उस किचन में जो खून के सैंपल मिले हैं उसको जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आफ्ताब ने खाना बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन आफ्ताब ने जिंदगी में कभी खाना तो नहीं बनाया, बल्कि वो जिसके साथ 24 घंटे साई की तरह रहता था उसको ही सब्जियों की तरह टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दोस्तों, आज मैं वो खुलासा करने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, श्रद्धा के सर के साथ आफ्ताब ने क्या किया था, उनके सर को किस तरीके से फ्रिज में रखा था और फिर आखिरी में उन्हें किस तरीके से जंगलों में फेंका था, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही है कि उस जंगल से श्रद्धा का खोपड़ी भी मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर खोपड़ी भी मिला होगा तो उसकी जाँच की जाएगी, जिससे पता चलेगा क्या वाकई में ये श्रद्धा की खोपड़ी है या नहीं है। लेकिन वाकई में अपने आप में इंडिया में ये सबसे खतरनाक मामला माना जा रहा है। जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा को एक साइको किलर की तरह मारा है, एक ट्रेंड अपराधी की तरह मारा है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।